नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य नेशन में। देश और दुनिया के साथ राजस्थान की तमाम बड़ी खबरें। कोरोना से दुनिया में अब तक 1,70,000 मौतें। ट्रंप ने कहा, अमेरिकियों की नौकरियां बचाने के लिए देश में विदेशियों का आना अस्थायी तौर पर रोका जाएगा। दुनिया में अब तक 1,70,423 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। संक्रमण के 24,81,000 मामले हैं, वहीं 6,46,675 ठीक हो चुके हैं। अमेरिका में 24 घंटे में 1,949 लोगों की जान गई है और 28,123 मरीज मिले हैं। जहां अब तक 42,514 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस संकट में वायरस के खतरे से बचने और अमेरिकी नागरिकों की नौकरियां बचाने के लिए वे देश में विदेशी नागरिकों का प्रवासन अस्थायी तौर पर बंद करेंगे। अमेरिका में कोरोना के कहर के कारण बेरोजगारी दर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। यहां अब तक 1.68 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। नागरिकों की नौकरी जाने की वजह से राष्ट्रपति ने यह फैसला लिया है। कोरोना से देश में अब तक संक्रमण के 18,606 मामले, 24 घंटे में 1,235 रिपोर्ट पॉजिटिव आई। लगातार तीसरा दिन जब 1,000 से ज्यादा मरीज मिले। 50% केस पिछले 8 दिन में ही बढ़े। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 18,606 हो गई है। सोमवार को 1,235 नए मामले सामने आए। यह लगातार तीसरा दिन था जब देश में कोरोना संक्रमण के 1,000 से ज्यादा मामले आए। इसमें पहले रविवार को 1,580 और शनिवार को 1,371 रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। देश में कोरोना के 9,329 मरीज पिछले 8 दिन में ही बढ़े। यह कुल संक्रमितों का 50% है। ये आंकड़े राज्य सरकारों से मिली जानकारी के अनुसार है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमण के कुल 18,601 मामले आए हैं। इनमें 14,769 का इलाज चल रहा है, 3,252 ठीक हुए हैं, वहीं 590 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में 98 नए रोगी मिले। इनमें जयपुर के 50 संक्रमित शामिल। नागौर और कोटा में एक एक मौत। मरीजों के स्वस्थ होने में राजस्थान देश में आगे, लेकिन जोधपुर नए एपिसेंटर कोटा टोक से भी पीछे। जोधपुर में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि मरीजों के आंकड़े जोधपुर में ही बढ़ रहे हैं, सभी जिलों व प्रदेशों में भी मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। परंतु मरीजों के स्वस्थ होने के आंकड़े उससे भी महत्वपूर्ण है, जिसमें राजस्थान ने तो पूरी देश में बाजी मार ली। स्वस्थ होने का प्रतिशत सबसे ज्यादा 12.38% है और मृत्यु दर सबसे कम 1% ही है। लेकिन जोधपुर के दूसरे जिलों में तुलना करें तो हम जयपुर को छोड़कर टोंक व कोटा जिलों में भी पिछड़ रहे हैं, जो हमारे बाद में एपिसेंटर बने। राजस्थान में लॉकडाउन। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्य कोटा के छात्रों को घर तक पहुंचाएंगे, मुख्यमंत्री गहलोत बोले, सहमति बनी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की। इस दौरान गहलोत ने प्रस्ताव रखा कि लॉकडाउन के चलते राजस्थान में अटके प्रवासियों को विभिन्न प्रदेशों में रह रहे राजस्थानियों को एक बार अपने घर जाने का मौका दिया जाए। गृह मंत्रियों ने इस पर मंत्रालय के अधिकारियों से बात कर सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया। साथ ही बताया कि विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री से बातचीत करके कोटा में कोचिंग के लिए रह रहे छात्रों को गृह राज्य पहुंचाने की योजना पर काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम और गुजरात के मुख्यमंत्रियों ने इस पर सहमति दे दी है। जल्द ही इन राज्यों के छात्र अपने घर के लिए रवाना होंगे।